पटना में बीपीएससी TRE3 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी सोमवार को बीपीएससी ऑफिस के बाहर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को रोका, जिसके बाद सड़क पर बवाल बढ़ गया। बताया जा रहा है कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया है, जिसके बाद अभ्यर्थी और उग्र हो गए। इस दौरान कई शिक्षक अभ्यर्थियों को चोट भी लगी है। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थी की भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन अभ्यर्थी एक बार फिर से बेली रोड पर जुटने लगे हैं। दरअसल आपको बताएं कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, तभी सचिवालय के पास पुलिस बल ने इन्हें रोक दिया। बता दें कि शिक्षक इस आंदोलन में हजारों अभ्यर्थी शामिल हैं, जहां सभी अभ्यर्थी बिहार सरकार से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थी जिस वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि एक अभ्यर्थी का रिजल्ट प्राथमिक यानी कि 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं में से किसी एक में ही दें, ऐसा छात्रों का कहना है। जबकि बीपीएससी का कहना है कि हम एक कैंडिडेट का 2 सीटों पर रिजल्ट देंगे, उच्च माध्यमिक में और माध्यमिक में भी। इसके बाद ये अभ्यर्थी का निर्णय होगा कि वह किस में जाना चाहता है। बीपीएससी के इस फैसले से ऐसे में 2 रिजल्ट देने पर एक जगह की सीट खाली रह जाती है, और इसी बीपीएससी के फैसले को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के इस आंदोलन में छात्र नेता दिलीप कुमार भी शामिल हुए थे, जहां पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, हम पर लाठीचार्ज की गई है। हमारी मांग है कि बीपीएससी TRE3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेदारी ना दी जाए, यह अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। क्या लोकतंत्र में छात्र शांतिपूर्वक अपनी बात नहीं रख सकते हैं? नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, तो आज छात्र आंदोलन को आखिर क्यों कुचला जा रहा है? कुछ कीजिए, लेकिन हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, लाठीचार्ज करके हम लोग को गिरा दिया गया है, ये बिल्कुल अन्याय है, गलत है। हम लोग बीपीएससी TRE3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाए, यही हमारी मांग है, यही हमारी मांग है। लेकिन हमें बीपीएससी ऑफिस से पहले मारा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है, छात्रों को हमें भी मारा जा रहा है, ये बिल्कुल अन्याय है, ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है। क्या लोकतंत्र में छात्र अपनी बात नहीं रख सकते शांतिपूर्वक? ये क्या चल रहा है? जिस छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज छात्र आंदोलन को क्यों कुचला जा रहा है? लाठीचार्ज किया गया, हमें लाठी से ऐसे से घुसेट के मारा गया है, और भी छात्रों को मारा, ये बिल्कुल गलत है। हम दिलीप कुमार, छात्र नेता बिहार। वहीं आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त महीने के अंत तक निकलने की संभावना है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट चुका है। वहीं आयोग से मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि OMR सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में चल रही है। लाठी क्या कर रहे हैं? लाठी मारिएगा पेट में,
क्या मांग है अभी।